ladies and gentlemen, very warm welcome to module 134. sources of innovation, new knowledge. what is new knowledge? new knowledge can be source of innovation, a new opportunity. longest lead time for all innovations. innovation, last any new innovation. bulb, last halogen lights. कितना सरवाइव की उसके बाद येलो ट्यूब्स आ गई फिर उसके बाद वाइट लाइट्स आ गई साइंस ने नया चेंज लिया उन्होंने कहा वाइट लाइट्स अच्छी नहीं होती सूरज की क्योंकि येलो लाइट होती है चुनाव से साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि बल्ब इज़ बेटर देन दर वाइट लाइट बट वाइट लाइट ने कहा कि वो जो है वाट्स कम खाती है बल्ब जो है वो आपका हंड्रेड वाट्स जब खाता है तो उसके ऊपर जो बिजली के ऊपर बहुत यूनिट्स में फ़र्क आता है So by the time the new knowledge uh, obsolete, another knowledge. So new knowledge means obsolete. Obsolete karta So nay go ko adopt karte. Acha. There is a long time span between the emergency of the new knowledge and it has become applicable to technology. Plus another length of the time before the new technology turns into the product and marketplace. Acha? आप जाइए और मुझे आप सेंसर के ऊपर लिख कर दिखाइए अब आ गया है मोबाइल मोबाइल के ऊपर आप सिंपल लिखिए और लिखते जाइए सेम बोर्ड के ऊपर वही लिखना शुरू कर देगा वाई आई नीड अ सेंसर वो मुझे पेन क्यों चाहिए एस्ट्रोनॉट्स जब आए थे एस्ट्रोनॉट जब आए तो 300 बिलियन का एक पेन बनाया गया जो स्पेस पे चलेगा रिसर्च हुई तो पता चला कि लेड पेंसिल जो है वो काम कर जाएगी सो वाई वी नीड अ मीन कॉम्प्लेक्स डिसीजन टू है तो इनोवेशन क्यों नहीं होगी एस्ट्रोन हो की जगह एस्ट्रोन पेन की जगह एक लेट पेंसिल ने ले ली तीन सौ बिलियन की जगह सिर्फ आपकी लेस देन अ डॉलर लेस देन अफ बी कम यानी पंद्रह रुपए ने एस्ट्रोन उड़ा दिया सो so, जब आप चीजों को देखते हैं बंजर जमीने आप इस पाकिस्तान में चले जाए तो आ, इसको आप नमक वाली जमीन कहते हैं बंजर जमीन कहते हैं लोगों ने इसके अंदर हार्वेस्टिंग शुरू कर दी है साइंटिफिक अपील शुरू कर हैं उसके अंदर खाद फर्टिलेशन ये वो फ्लाफ् नई नई एग्जाम्पल आना शुरू हो गई है जब ये चीजें आ जाएंगी तो आपकी मार्केट डेवलप होगी आपकी एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर एडवांसमेंट इन रिलेशन टू द न्यू रिसर्च एंड वॉट इज रिसर्च अग्रिकल्ट् रिसर्च इज नॉट अबाउट कि आपके चार पाँच पेपर हैं चालीस पेपर हैं आपने लफ्ज़ों को मुख्तलिफ ऐड किया अच्छा सा टाइटल दिया साइटेशन चेंज की और आपने उसके जो रिज़ल्ट हैं वो भी चेंज कर दिए कार्बनशन के सॉफ्ट पेपर पकड़े उसको चेंज कर दिया एंड जो रिज़ल्ट हैं उनके मुताबिक आपने दे दिए बिलीव इन मी रिसर्च ऐसे ही हो रही प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल आंट्रप्रोर्स इवन जो कि आप लोग राइटिंग्स कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर रिसर्च कीजिए जो कि आने वाले वक्त के लिए नई चीज लेकर आए रिसर्च का मतलब यह है कि आप एक नई इनोवेशन दीजिए आप चाहे मैनेजमेंट में हैं आप फाइनेंस में आप टूल्स में पेस्ट्री एक सॉफ्टवेयर है पुराना हो गया प्लीज कम नेक्स्ट मुझे नहीं लेना देना कि बैक एंड के ऊपर कितनी कैलकुलेशन हुई है मुझे ये लेना देना है वो ऑथेंटिक कितनी है मेरी कोडिंग से मुझे लेना देना नहीं है मुझे ये लेना देना है कि मेरे जो बेस्ट फ्रंट एंड के ऊपर है मैं कितना ईजी हूं मैं ऑनलाइन शॉप कितना अच्छा कर सकता हूं मैं स्कैन कर सकता हूं मैं अपना बैंक ट्रांसफर देख सकता हूं मुझे बैंक में मेरे पैसे कितने मैं क्यों जाऊं कैशियर के पास मैं क्यों लिखूं ऑर्डर चेक ऑर्डर फिर मैं क्यों लिखूं पे ऑर्डर मैं क्यों लिखूं एप्लीकेशन मुझे नहीं आती व्हाई नॉट आई कैन बी इन माय बैंक अकाउंट विद जस्ट वन टच आटिंग इट नाउ another characteristic of the knowledge-based innovation is that they are almost never based on one factor, but on the convergence of the several different kinds of knowledge. this is a new era of opportunity, but only for those who are willing to accept change, change, change as an opportunity, not for those who are afraid of it. Rakhe, change, change for resistance deta hai. उस रिशेंस से जो डर गया फौरी तो आप अपसलीट हो जाएगा ही विल नॉट ऑन द पाथ ऑफ न्यू वेंचर्स और जो नए लोग होते हैं वो नई दुनिया बनाते हैं वो फेल होते हैं फिर उठते हैं फेल होते हैं until and unless. एक टाइम आता है पीटर ड्रकर साहब कहते हैं जो चेंज को उफ, से डर गया वो कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा पीटर पीटर ड्रकर साहब के मुताबिक आपको न्यू नॉलेज चाहिए अननोन को कोशिश करें तलाश करें और जो आपके लिए अननोन है make it new knowledge. Thank you very much.